नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का जीवन कोश में। प्याज तो सभी खाते हैं घरों में, हरे प्याज जी हाँ, पत्तेदार। हरे पत्तेदार प्याज को आम बोलचाल की भाषा में स्प्रिंग अनियन के नाम से जाना जाता है। वैसे ज्यादातर इस प्याज का इस्तेमाल गार्निश करने के लिए करते हैं, सैलेड के लिए करते हैं ना। इसके थोड़े से इस्तेमाल से खाने का स्वाद जो है वो दोगुना हो जाता है। कई लोग इसका इस्तेमाल जो है खाने में सुगंध बढ़ाने के लिए भी करते हैं। स्प्रिंग अनियन मुख्य रूप से सफेद रंग के होते हैं, लेकिन कई जगहों पर ये लाल या पीले भी होते हैं। चीन में इसका इस्तेमाल जो होता है ना, दवा के रूप में किया जाता है। दोस्तों, इसमें बेहद कम मात्रा में कैलोरी होती है, साथ ही ये विटामिन से भरपूर होता है। हरे प्याज में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी टू भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके अलावा ये थायमीन और विटामिन के का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। विटामिन के साथ साथ इसमें कॉपर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्रोमियम और मैगनीज जैसे स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक लवण होते हैं ना, वो पाए जाते हैं। इसमें मौजूद फाइबर शरीर को और बेहतर तरीके से पोषण देने का काम करता है। वहीं आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे हरे प्याज के बेहतरीन फायदे और थोड़े से नुकसान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हरे प्याज के फायदे की बात करते हैं। रक्तचाप, बीपी। हरे प्याज का सेवन रक्तचाप को नियंत्रण करने के लिए किया जा सकता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि हरे प्याज में एंटी हाइपरटेंसिव प्रभाव पाया जाता है। हरे प्याज में पाया जाने वाला ये गुण बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने में फायदेमंद होता है। नंबर दो, हृदय के लिए। हरे प्याज का सेवन हृदय संबंधी समस्या को कम करने में मददगार हो सकता है। इस पर भी एक रिसर्च हुई है और इसमें हरे प्याज में एंटी थ्रोम्बोटिक प्रभाव पाया गया है। इससे हार्ट अटैक का जोखिम जो कम होता है। इसके अलावा रिसर्च में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि हरे प्याज का सेवन कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप को कम करके इससे होने वाले जो हृदय रोग के जोखिम है उसको खत्म करता है। इस आधार पर माना जा सकता है कि हरे प्याज का सेवन हृदय को स्वस्थ रखने के काम में लिया जा सकता है। नंबर तीन, कैंसर से बचाव के लिए। हरे प्याज का उपयोग कैंसर से बचाव में मददगार साबित हो सकता है। रिसर्च के अनुसार हरे प्याज में एलील सल्फाइड नामक कंपाउंड होता है जो कैंसर सेल के विकास को रोकता है। एक अध्ययन के अनुसार हरे प्याज में मेथेनोलिक अर्क कैंसर के जोखिम को कम करने में ये मदद कर सकता है। नंबर चार, शुगर के लिए। रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने से मधुमेह की समस्या होती है। इस समस्या को कम करने के लिए हरे प्याज का उपयोग किया जा सकता है। रिसर्च के मुताबिक हरे प्याज में एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव पाया जाता है। हरे प्याज में पाया जाने वाला ये प्रभाव मोटापे के कारण होने वाले शुगर को नियंत्रण करने के काम में आ सकता है। नंबर पांच है भाई, आंख के लिए। आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विटामिन ए मुख्य भूमिका निभाता है। ये अंधेरे में आंखों की रोशनी को बनाए रखने में मदद करता है, साथ ही आंखों के रेटिना को पिगमेंट को बढ़ाने में मदद कर सकता है। हरे प्याज में विटामिन ए की अच्छी मात्रा मौजूद होती है। इस आधार पर हम ये मान सकते हैं कि आंखों से संबंधित समस्या और आंखों के सुधार में, स्वास्थ्य के सुधार में करने के लिए अगर आप हरा प्याज उपयोग करेंगे तो बहुत फायदा होगा। नंबर छह, हड्डियों के लिए। हरे प्याज का नियमित रूप से सेवन करने पर हड्डियों के स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। दरअसल हरी प्याज में कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है। वही कैल्शियम हड्डियों के जो घनत्व होता है और मजबूती जो होती है उसको बनाए रखने के लिए भी एक जरूरी पोषक तत्व है। नंबर सात, जुकाम के लिए। प्राचीन काल से ही कई पौधों को जुकाम में समस्या जब होती है जुकाम की, हर्बल दवा के रूप में लिया जाता है। इनमें से हरा प्याज भी एक चीज है। दरअसल इसमें जुड़े एक रिसर्च में कॉमन कोल्ड के लिए इसे उपयोगी माना गया है। वहीं इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव पाया जाता है जो जुकाम के कारण नाकबंद की समस्या को कम करने में मदद करता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि हरा प्याज जुकाम से राहत दिलाने में मदद करता है। नंबर आठ, अस्थमा के लिए। अस्थमा की समस्या में भी हरे प्याज का लाभ देखा जा सकता है। दरअसल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव को अस्थमा में लाभकारी माना गया है क्योंकि यह अस्थमा से जुड़े सूजन संबंधी एलर्जिक प्रतिक्रिया को कम करने में मदद करता है। वहीं हरे प्याज का सेवन इसमें लाभकारी हो सकता है क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है। नंबर नौ, पाचन संबंधी समस्या में हरे प्याज का उपयोग। भाई हरे प्याज का उपयोग जो होता है वो पाचन को सुधारने के लिए बहुत फायदेमंद है। दरअसल एक रिसर्च में ये पाया गया कि हरे प्याज में पाचन क्षमता को बढ़ाने वाले और पाचन संबंधी विकारों को कम करने वाले गुण पाए जाते हैं। ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि अच्छे पाचन के लिए हरे प्याज का सेवन किया जा सकता है। नंबर दस, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए। हरे प्याज का सेवन कोलेस्ट्रॉल की समस्या को नियंत्रित करने में भी
बहुत मददगार होता है। इस विषय पर हुए एक रिसर्च के अनुसार हरे प्याज में एंटी हाइपरलिपिडेमिक प्रभाव होता है। एंटी हाइपरलिपिडेमिक प्रभाव कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मददगार होता है। इससे हम मान सकते हैं कि प्याज और उसके रस का सेवन जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रण करने में मदद कर सकता है। नंबर 11, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रभाव। हरे प्याज का उपयोग बैक्टीरिया और फंगल के कारण होने वाले संक्रमण को रोकने में भी मददगार है भाई। दरअसल हरे प्याज में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं जो बैक्टीरियल और फंगल संक्रमण से बचाव और उनके प्रभाव को कम करने में हमारी मदद करते हैं। हरे प्याज जो है उसके नुकसान भी बहुत है, ऐसा नहीं कि सारे फायदे। हरे प्याज को खाने से, ज़्यादा खाने से क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर इसका सही इस्तेमाल ना किया जाए तो भी नुकसान हो सकता है। तो कौन कौन से नुकसान है वो मैं आपको अब बता देता हूँ। जिन्हें प्याज से एलर्जी है उन्हें हरा प्याज नहीं खाना चाहिए, एलर्जी की समस्या हो सकती है। हरे प्याज का अधिक सेवन हृदय संबंधी जोखिम को बढ़ा सकता है क्योंकि इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसकी अधिक मात्रा इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। नंबर 3, हरे प्याज में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, वहीं अधिक मात्रा में खाएंगे तो पेट भी फूलेगा, मतली भी आएगी, गैस की भी समस्या होगी। इसमें कुछ ऐसे गुण भी हैं, प्रॉपर्टीज भी हैं जिसका अधिक सेवन अगर आप करेंगे तो बार बार आपको यूरिन की समस्या होगी। पानी बहुत होता है प्याज में, ये भी एक समस्या हो सकती है। नंबर 5, हरे प्याज का सेवन करने से, भाई दुर्गंध तो प्याज का सेवन करने से आती है तो इसको तो रोका भी नहीं जा सकता। तो ये कुछ नुकसान भी हैं, इनको देखकर सही समय पर ही खाना उपयुक्त है।